ओम महालक्ष्मी नमो नमः। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय सिहाग में और मैं हूं आपका साथी। दोस्तों विगत वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि कैसे एक मुट्ठी गूंदा हुआ आटा आपका भाग्योदय कर सकता है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं, ऐसे पौराणिक या यूं कहें कि कुछ छोटे छोटे सैद्धांतिक उपाय वास्तु दोष को दूर करने के और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय आपसे जान साझा कर रहे हैं, ताकि आपका जो आर्थिक चक्र है वह गति पकड़ सके, आपका भाग्योदय हो सके, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रह सके। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का उपाय हर घर में लोग काफ़ी दिनों से करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आपने इस उपाय के बारे में अपने ज्योतिषियों से, पंडितों से या ज्ञानी व्यक्तियों से पक्का ही सुना होगा। माता बहनें इस उपाय को तकरीबन घरों में करती हैं, किंतु नियम के अनुसार करना ही मेन बात होती है। दोस्तों आज का उपाय आप ध्यानपूर्वक सुने। आजकल हर घर में आटा पीसने की चक्की या मशीन उपलब्ध है, तो करना क्या है ध्यान से सुने। बृहस्पतिवार के दिन 1.25 किलो गेहूं, 250 ग्राम मिश्री, मिश्री कौन सी, धागे वाली मिश्री जो पंसारी के पास मिलती है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर आप चक्की से पीस लें। दोस्तों पीसने के बाद ये आटा आप अलग पात्र में रखें और इस आटे को प्रातः यानी कि 5 चम्मच जो अपने चाय वाली चम्मच होती हैं या यूं कहें टीस्पून होती हैं, 5 या 11 चम्मच आप एक कटोरी में लें और जहां पर चींटियां रहती हों या चींटियों का बिल हो वहां पर ये आटा जो हमने मिश्री के साथ पीसा था, इसको आप लगातार 51 दिन तक बिल के ऊपर डालें। आप देखेंगे कि आपका भाग्योदय हो रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बन रही है, आपकी जेब धन से भारी हो रही है और आप अपना आर्थिक चक्र है उसको मजबूत महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों छोटा सा उपाय है, 1.25 किलो गेहूं, 250 ग्राम फिटकड़ी धागे, सॉरी। तो दोस्तों करना क्या है, 1.25 किलो आटा, 250 ग्राम मिश्री धागे वाली पंसारी से लानी है, एक साथ पीसना है, अलग पात्र में लिखना है, रखना है, 5 या 11 चम्मच डेली प्रतिदिन सूर्योदय के समय चींटियों को डालना है, इससे निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय होगा। तो आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।